आवाज सुनी तो युवक ने बच्ची को कपड़े में लपेट कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्ची को पीतमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर गुजराती का कहना है कि बच्ची का जन्म एक घंटे पहले हुआ है। बच्ची की हालत फिलहाल स्वस्थ है, जिसका उपचार जारी है। सामान्य तौर पर बच्चों के वजन से इसका वजन कम है। बच्ची को हम MY हॉस्पिटल में भेजेंगे। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। इस तरह का उद्योग क्षेत्र पीतमपुर में यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार नवजात शिशु अलग अलग जगहों पर मिल चुके हैं। बच्ची पाई गई थी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंतर्गत, क्या उसकी प्रक्रिया हुई? पुलिस के सूचना मिली थी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और इंडस टाउन के बीच में एक नाला है। नाले में बच्ची के रोने की आवाज़ आई तो आसपास वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल एडमिट कराया, बाद अपराध कायम कर जांच में लिया गया। विवेचना 6:55 पर सुबह पुलिस द्वारा जी एक नवजात बच्ची को शासकीय अस्पताल पीतमपुर लाया गया था जी। बच्ची को देखने से बच्ची कम वजन की लग रही थी और जन्म के एक घंटे के भीतर ही उसको यहाँ ले आया गया था। इसका मतलब ये है कि 5:15 बजे उसकी बच्ची का जन्म हुआ होगा। बच्ची पूर्णतः स्वस्थ थी और वजन कम थी और 8 माह की है, तो हमने उसको जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट भी करा है और बच्ची को हमने वार्मर में भी रखा है, उसका टीकाकरण भी कर दिया गया है। अब बच्ची को हम लोग गहन चिकित्सा शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भेजेंगे MYH के लिए।